हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो स्टडी हो रही है कि नहीं हो रही है? चल रही है ना? फॉलो करते रहिए और स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है? तो हमने लास्ट क्लास में इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है कि इंडक्टेंस हमारा क्या होता है। बेसिक्स जो हमने बताए थे, वोल्टेज, करेंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो ये हमारा लास्ट टर्म बचा हुआ है, कैपेसिटेंस, ठीक है। इंडक्टेंस के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, इंडक्टेंस क्या होता है, कैसे उसमें जो इनिशियल वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, वो कैपेसिटी मतलब पावर क्या होता है, कैसे उसका अरेंजमेंट होता है, सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। तो आज ही हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, बेसिक टर्म्स जो है हमारे उनसे रिलेटेड में। तो ये क्या है? कैपेसिटेंस, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो होता है, इसको अपन काय से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर को ऐसे, ये हमारा डिनोट करना मतलब नोटेशन है सी कैपेसिटर। कैपेसिटर को कैसे डिनोट करते हैं? इससे ऐसे अपन बनाते हैं कैपेसिटर का जो होता है सिंबल, वो क्या होता है हमारा, ये होता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा? कैपेसिटेंस क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड फॉर अ गिविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अगर कोई भी सर्किट है उसमें अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें क्या होता है, स्टोर्ड होता है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है, इंडक्टर और कैपेसिटर है, वो क्या है, चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। एक चार्ज को क्या करता है, मतलब सॉरी स्टोरेज डिवाइस है हमारी, ठीक है। तो ये क्या करता है, चार्ज के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। कौन सी एनर्जी स्टोर करता है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है हमारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देने पर, जैसे अपन ने इंडक्टर का पढ़ा था, एल जो होता है वो क्या था, फाइव बाय आई होता है, मतलब कितना करंट अपन दे रहे हैं और कितना फ्लक्स क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है, वो क्या हो जाएगा हमारा, इंडक्टर हो जाएगा। बताया था ना हमने लास्ट क्लास में कि इंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, करंट जब अपन देते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उससे क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। तो एल जो था वो क्या था, फाइव बाय आई, मतलब कितना करंट अपन देंगे तो कितना हमारा क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, जनरेट होगा, वो क्या था, इंडक्टर। वैसे ही कैपेसिटर, इंडक्टर जो होता है वो करंट पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा, गिविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, गिविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्टेज देने पर कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड होगा किसी डिवाइस में, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देने पर, गिविंग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लो अपन ने बोला कि 5 वोल्ट अपन ने क्या दिया है, सप्लाई दी है, तो कितना कूलम ऑफ चार्ज उसमें स्टोर्ड होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, कैपेसिटेंस कहलाएगा, ठीक है। अपन मान लेते हैं ये हमारा कैपेसिटेंस लगा हुआ है, इसमें अपन ने वोल्टेज लगाया, ये हमारा भी वोल्टेज लगा, तो ये कैपेसिटर है। चार्ज जो स्टोर्ड होगा, एक प्लेट पर प्लस पॉजिटिव होगा और एक प्लेट पर क्या होगा, माइनस होगा हमारा, ठीक है। तो कितना चार्ज जो है वो स्टोर्ड हो रहा है हमारा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। ये क्या है, डी हो गई इन प्लेट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो कितने अमाउंट ऑफ वोल्टेज देने पर कितना चार्ज जो है क्यू, वो इन प्लेट्स पे क्या हो रहा है, स्टोर्ड हो रहा है, वो क्या कहलाएगा हमारा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। मतलब सी क्या हो जाएगा हमारा, क्यू बाय वी, कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देने पर कितना चार्ज स्टोर्ड हो रहा है किसी डिवाइस में, वो क्या कहलाएगा हमारा, कैपेसिटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, की क्यू की यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम पर वोल्ट, या फिर अपन बोलते हैं कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड। जैसे इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी, सेम है कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या है हमारा, एक गिविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कितने अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड हो रहा है, वो क्या कहलाएगा हमारा, कैपेसिटेंस कहलाएगा, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कैपेसिटेंस पे अफेक्ट डालते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट ऑन
कैपेसिटेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कैपेसिटेंस पर इफेक्ट डालते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो कैपेसिटर जो है वो किससे मिलके बनता है, दो पैरेलल प्लेट से मिलके क्या होता है हमारा कैपेसिटेंस बनता है, यही बोला ना हमने। इसका जो नोटेशन होता है वो क्या होता है, ये होता है, मतलब पैरेलल जो कैपेसिटर जो है वो दो पैरेलल प्लेट है, दो प्लेट है हमारी, दोनों क्या है पैरेलल है, तो दो पैरेलल प्लेट से मिलके क्या होता है हमारा कैपेसिटेंस बनता है। जब अपन इसमें क्या करते हैं वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, वी वोल्टेज लगाए तो इन जो प्लेट है इन पे एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज तो एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है स्टोर हो जाता है। तो सी क्या है क्यू वाई वी, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाने से इन प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सी क्या हो गया हमारा क्यू वाई वी। अब अपन देखना कौन कौन से फैक्टर्स इस पे इफेक्ट करते हैं, तो सी जो होता है हमारा फॉर्मूला वो क्या होता है एप्सिलॉन ए बाय डी, ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस जो है वो किस किस पे इफेक्ट करेगा, जो ये दो पैरेलल प्लेट है इनके बीच की डिस्टेंस होती है डी, ए क्या है एरिया है, ये जो पैरेलल प्लेट है इनका जो एरिया होता है वो क्या है हमारा ए है। तो सी जो है कैपेसिटेंस वो किस किस पे इफेक्ट करेगा एप्सिलॉन ए बाय डी, मतलब एरिया ऑफ ईच प्लेट, हर एक पर्टिकुलर मतलब दो प्लेट है ना ये दो प्लेट, तो दोनों प्लेट का जो एरिया है इस पर डिपेंड करेगा, इनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और जो हमारी परमिटिविटी होती है इंसुलेटर की उस पर डिपेंड करेगा। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी होता है, मतलब किस किस पे, यहाँ पे एप्सिलॉन जो है हमारा वो क्या है हमारा परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटर, परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटर, ए क्या है एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर से, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया, लेंथ की यूनिट मीटर और ब्रेथ की यूनिट मीटर और इसकी मीटर स्क्वायर हो जाएगी। डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, दो प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो गई डी, ठीक है। तो सी किस किस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और एप्सिलॉन, मतलब परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटर, पर एप्सिलॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ठीक है। ये कितना होता है हमारा 8.854 इंटू 10^-12 फैराड पर मीटर, ठीक है, 8.854 इंटू 10^-12 फैराड पर मीटर, और एप्सिलॉन आर जो है ये क्या हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये क्या होता हमारा वन होता है फॉर एयर के लिए, इसकी ये क्या होता है वन फॉर एयर, मतलब जो हमारा बीच का ये जो है एयर गैप वो हमारा क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, फिक्स 8.85 इंटू 10^-12 फैराड पर मीटर, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, अगर जो मीडियम है वो एयर है तो ये वन होगा, अगर वाटर है तो कुछ और होगा, जो मीडियम होगा उस पर क्या करेगा ये डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस होते हैं, जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, उसका पढ़ा था ना कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो किस किस पे था, लेंथ ऑफ द मटेरियल, एरिया पे था, किस टाइप का है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो कैपेसिटेंस होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है, डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेट, क्योंकि कैपेसिटेंस किसके मिलके बनता है दो प्लेट से मिलके बनता है, दो पैरेलल प्लेट को जब अपन जोड़ते हैं तो उससे कैपेसिटेंस बनता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड होता है एक पे नेगेटिव, क्योंकि चार्ज दो ही टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, तो एक पे पॉजिटिव बन जाता है एक पे नेगेटिव, तो ये क्या हो गया एक वोल्टेज के फॉर्म में हो गया ना, जो भी पोटेंशियल होता है वो क्या होता है एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ये आपको नहीं पता हो तो ये अपन जो ऐसे डिनोट करते हैं वी को, तो ये जो बड़ी वाली प्लेट बनाते हैं इसका मतलब क्या है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो छोटी प्लेट होती है ये क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो सी हो गया एप्सिलॉन ए बाय डी, मतलब इन इन फैक्टर पे इफेक्ट करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप
जो आपकी इंपॉर्टेंट कॉपी है उसमें नोट कर लीजिए कि सी जो फैक्टर्स अफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस है किस किस पे। एक तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि सी जो होता है वो क्या होता है, क्यू वाई भी, मतलब कितना इलेक्ट्रिक गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देने पर कितना चार्ज स्टोर्ड हो रहा है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। कैपेसिटेंस दो पैरेलल प्लेट से मिलके बनता है, ठीक है। तो इन दो पैरेलल प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस पर डिपेंड करेगा, ये जो प्लेट्स हैं इनका जो एरिया होगा उस पर डिपेंड करेगा, और इनका जो ये मीडियम है बीच में इस पर डिपेंड करेगा। तो एप्सिलॉन ए बाई डी, तो ये फॉर्मूला भी होता है और ये फॉर्मूला भी होता है, दोनों फॉर्मूला कैपेसिटेंस के ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हमने बोला था पतली सी कॉपी बनाई है उसमें ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पूछ लेते हैं थ्योरेटिकल एग्जाम जो भी होते हैं आपके छोटे छोटे, गेट में भी कई बार पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है आप सोचिए कि गेट में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं या छोटी चीज़ें नहीं पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये उनकी मर्जी है कि वो क्या पूछना चाहते हैं। आपको बेसिक से लेके सब कुछ पता होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े क्वेश्चन तो हम वही पढ़ें, हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन का ही पूछ लें। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम पर वोल्ट या फिर फैराड। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कि कैपेसिटेंस जो है हमारा वो क्या होता है, ठीक है। अब अपन इसके आगे डिस्कस करते हैं, करंट फाइंड करते हैं और वोल्टेज फाइंड करते हैं कि कैपेसिटेंस में करंट क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है। अपन ने क्या पढ़ा अभी हमारा, कि C जो है वो क्या होता है, Q by V, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Q क्या हो सकता है, हो जाएगा हमारा Q equal to C into V, हो जाएगा ना, Q equal to क्या हो जाएगा, C into V। I जो करंट है वो अपन ने पढ़ा था, I जो होता है वो क्या होता है हमारा Q by T, अगर स्टैटिक करंट है तो I क्या होगा, Q by T, मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज जो हो रहा है ना फ्लो वो क्या हो जाएगा करंट, या फिर I अपन क्या बोल सकते हैं dq by dt, अगर डायनेमिक करंट है मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डायनेमिक करंट कहलाएगा। तो i क्या हो जाएगा, dq by dt। तो ये जो q है यहाँ पे अगर अपन इसकी वैल्यू रख दें, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड, तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो q की वैल्यू अगर यहाँ रख देते हैं तो i क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई डी टी, क्योंकि जगह क्या है, सी इंटू वी। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार सी कॉन्स्टेंट तो क्या हो जाएगा डी वी वाई डी टी, और एक बार वी कॉन्स्टेंट तो क्या हो जाएगा डी सी वाई डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मोस्ट केस में जो होता है वो कैपेसिटेंस क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है विद टाइम, ठीक है, मोस्टली केस में। अब कैपेसिटेंस जो होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट, क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर ये अपन क्या करते हैं, जैसे अपन कोई सर्किट बना रहे हैं, ठीक है, कोई सर्किट हमने बोला कि आप डिज़ाइन करिए जिसमें अपन को इतना इनपुट दे रहा है और इतना आउटपुट मिले, तो आप क्या करोगे, कैसे डिज़ाइन करोगे उस सर्किट को, आपको कैसे पता चलेगा कि कितना हमारा ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, कितने हेनरी का इंडक्टेंस लगाना है, कितने फैराड का कैपेसिटेंस लगाना है। तो आप इनपुट आउटपुट से ही तो करोगे ना, जो भी हमारे पास बेसिक फॉर्मूलेस होते हैं उनसे अपन क्या करेंगे, इनपुट की वैल्यू और आउटपुट की वैल्यू, मतलब वो अपन क्या करेंगे, जो हमारे मेन पैरामीटर्स हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उतने ही वैल्यू का अपन मार्केट से खरीदेंगे और फिर वो सर्किट अपन क्या करेंगे, डिजाइन। तो मोस्टली ये जो मतलब पैरामीटर्स हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इंडक्टेंस, ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, टाइम के साथ वैरी नहीं करते हैं, केवल इनपुट वैल्यू अपन क्या करते हैं, बार बार वैरी करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अधिकांश जो कैपेसिटेंस इंडक्टेंस रेजिस्टेंस ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या रहते हैं, फिक्स होते हैं, टाइम के साथ वैरी नहीं करते, मतलब एक बार सर्किट डिजाइन कर लिया तो वही हमारे चलते हैं, ठीक है। तो इन मोस्ट केसेस जो कैपेसिटेंस है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है विद टाइम, ठीक है। अपन हमेशा नहीं बोलेंगे, अपन चाहें तो चेंज कर सकते हैं, हमने एक वैल्यू ली है फिर जस्ट हम पैरामीटर बदल के, बट उसमें बहुत टाइम, तो ऐसा कोई करता नहीं है, ठीक है। तो इन मोस्ट केसेस कैपेसिटेंस वैल्यू डज नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है, मतलब सी क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, कैपेसिटेंस जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो अगर कॉन्स्टेंट होगा तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है हमारा, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे डी वाई डी टी ऑफ वन, मतलब कॉन्स्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो। तो ये वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो I बराबर क्या होगा, C dV by dt।
तो जो इन कैपेसिटेंस है इसका करंट क्या होता है, I बराबर होता है C dV by dt। ओके तो ये अपन ने फाइंड कर लिया कि इन कैपेसिटेंस जो होता है उसमें करंट क्या होता है, I बराबर C dV by dt। अब अपन वोल्टेज फाइंड करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए आप, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया। हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो हमने आपसे बोला है कि शॉर्ट नोट की कॉपी है उसको आप साइड में रखिए, और जो भी हम बोलते हैं उसको आप तुरंत नोट करते जाइए उसमें। तो ये वाला फॉर्मूला आप उसमें नोट कर लीजिएगा कि I बराबर क्या होता है, क्योंकि हम आपको इसमें पूरा डिटेल बता रहे हैं डिस्कशन, तो आपको ये समझना जरूरी है। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला रट लें और फॉर्मूला फॉर्मूला हो जाएगा, तो आप रट सकते हैं, मगअप करना ही है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ जल्दी सॉल्व करना है तो मगअप करना है, लेकिन अपन को उसका पूरा डिटेल भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये कहाँ से आया है, क्योंकि बार के एक एक्स्ट्रा एग्जाम है जो मैंने दिया है, ठीक है, उसमें एक एक घंटे तक आपका इंटरव्यू होता है, डेढ़ डेढ़ घंटे तक, तो उसमें आपसे पूरा डिटेल में पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी तो इंटरव्यू जो होते हैं उनमें बहुत ही शॉर्ट में पूछेंगे आपसे कि ये क्या होता है ये क्या, लेकिन बार का अगर आप किसी से भी पूछेंगे जिसने दिया होगा, तो बहुत लंबा उनका इंटरव्यू चलता है वो आपका पूरा, क्योंकि वो एक रिसर्च है, ठीक है। बार्क में अपन जाते हैं तो वहाँ क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो अगर अपन को किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना है तो उसको बारे में आपको डीपली पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने फॉर्मूलेस याद कर लिए और आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो डीप वहां पे आपको क्या होगा, हो सकता है कि आपसे फाइंड ही करा लें, क्योंकि मैं ही गई थी तो उनने, मैंने बोला था कि सर्किट थ्योरी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, तो उन्होंने पूरा डिटेल में कि अगर हम ये इनपुट दे रहे हैं तो आप बताओ क्या चेंज होगा, ये दे रहे हैं तो क्या चेंज होगा, तो वो बहुत ही क्या करते हैं, डीप में पूछते हैं, तो अपन को सब कुछ पता होना चाहिए डीप में, उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, उसके साथ फॉर्मूला मगअप करना ही है। तो यहाँ से आप ये सब तो समझते ही जाइए, साथ में जो आपने शॉर्ट नोट की बुक बनाई है उसमें आप ये फॉर्मूलेस फॉर्मूलेस लिखते जाइए, जिनको आप कभी भी दिन में 4-5 बार रिवाइज कर लिया कीजिए। जब भी आप फ्री हैं, आपका मन नहीं लग रहा, आप टेरिस पे घूमने गए हैं, आप ले लीजिए उसको, ठीक है, एक बार पलट लिए। रात को सोने वाले हैं, उसके पहले कितना देर लगता है फॉर्मूलेस याद करने में, 5 मिनट, एक बार उसको पलट लिए, देख लिए, खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट के बारे में कि जो कैपेसिटेंस होता है उसमें करंट क्या है, I = C dV/dt। अब अपन डिस्कस करते हैं वोल्टेज, कि जो वोल्टेज होगा हमारा कैपेसिटेंस में वो क्या होगा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा हमारा, आई क्या होता हमारा, C dV/dt, ठीक है, I = C dV/dt। तो यहाँ से अगर अपन फाइंड करें तो I/C × dt बराबर क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा ना हमारा, I/C × dt बराबर क्या हो जाएगा, dV। तो यहाँ से 1/C तो कांस्टेंट है, इसको स्टेट लिख लें, dV बराबर 1/C I × dt। अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, अगर दोनों साइड सेम करते हैं कोई भी चीज़, तो क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मान लो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई किया, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि ये 2 से 2 तो कट ही जाना है हमारा, ठीक है। तो अगर दोनों साइड सेम चीज़ करते हैं तो हमारा क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अपन मान रहे हैं कि कॉन्स्टेंट है, इसलिए अपन ने बाहर ले लिया। अब अपन दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो 0 से V dV, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 से V चेंज हो रही है, 1/C इंटीग्रेशन 0 से t I × dt, ठीक है, 0 से t I dt। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से t I(t)dt। ये करंट की वैल्यू क्या है, जो है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो I(t)dt हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा, dV, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, V वैल्यू रखेंगे 0 से V, 1/C, इसकी लिमिट अपन तोड़ेंगे -∞, ठीक है, -∞ से लेके हमारा क्या होगा, 0 तक, प्लस 0 से ये हमारी लिमिट होगी -∞ से t I(t)dt। तो इसको दो पार्ट में कोई भी लिमिट है, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको मैथ्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी लिमिट है मान लीजिए, तो उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अपन ने माना कि -∞ से t,
क्यों? अभी हम आपको आगे बताएं, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है हमारा, प्रेजेंट और पास्ट दोनों की वैल्यू पे क्या करता है, डिपेंड करता है, पास्ट की वैल्यू पे भी और प्रेजेंट की वैल्यू पे भी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक होता है जो कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस जो होता है वो कैपेसिटेंस होता है, क्योंकि वो टाइम की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होते हैं, प्रेजेंट पास्ट दोनों वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से टी है मान लो लिमिट, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो प्लस जीरो से टी। टोटल तो माइनस इनफाइनाइट से टी है ना, तो एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है। तो आई ऑफ टी डी टी, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो आई ऑफ टी डी टी प्लस जीरो से टी आई ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो अगर अपन लेके चलते हैं मान लो कि इनिशियल वैल्यू, ये क्या है जो ये वाला टर्म है, ये क्या कहलाएगा, इसको अगर अपन लिखेंगे आई ऑफ जीरो माइनस, ठीक है, आई ऑफ जीरो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, हम आप ऊपर लिख देते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ये लिमिट रखेंगे, तो ये तो आ जाएगा वी हमारा, तो ये हमारा वी कैप बोलते तो क्या हमारा, तो अपन लिख लेते हैं वी सी ऑफ टी हो जाएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज है इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, टी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो वी सी ऑफ टी बराबर क्या हो जाएगा, आई ऑफ जीरो प्लस इंटीग्रेशन जीरो से टी आई ऑफ टी डी टी, ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से टी आई ऑफ टी डी टी। तो ये क्या हो गया हमारा, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ करें वी सी ऑफ टी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आई ऑफ जीरो प्लस ये जो है हमारा वन अपॉन सी अपन, सॉरी आई फॉरगेट, ये बाहर कैपेसिटेंस ही था, ठीक है। तो ये इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट है प्लस जीरो से टी। तो अपन मान के चल रहे हैं कि सपोज इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी, जीरो है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू इज जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, टर्म जीरो। तो वी सी ऑफ टी बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन सी इंटीग्रेशन जीरो से टी आई ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो जो वोल्टेज होता है कैपेसिटेंस के अक्रॉस वो क्या होता है, वन अपॉन सी इंटीग्रेशन जीरो से टी आई ऑफ टी डी टी। ये क्या हो गया हमारा, कैपेसिटेंस अक्रॉस वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। ये हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। तो एक हमने फाइंड कर लिया आई ऑफ टी क्या होता है, आई इक्वल टू होता है हमारा क्या, सी डी वी बाय डी टी, यहाँ पर अपन ऐसे लिख देते हैं आई सी ऑफ टी, मतलब क्योंकि ये क्या करता है, करंट के साथ वैरी है इसलिए अपन इसको टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉरी टाइम के साथ ये वैरी करता है, ये एक डायनेमिक डिवाइस है, ठीक है। कैपेसिटर क्या है, डायनेमिक, क्योंकि ये क्या करता है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों की वैल्यू पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आई ऑफ टी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, वी सी ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन सी इंटीग्रेशन जीरो से टी आई ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो ये हो गया वोल्टेज और करंट ऑफ कैपेसिटर। अब अपन डिस्कस करते हैं कि जो ये आई ऑफ जीरो है, ठीक है, ये जीरो क्यों होता है हमारा, ठीक है। अपन ने पढ़ा है कि I इक्वल टू होता है सी डी वी बाय डी टी, I इक्वल टू होता है सी डी वी बाय डी टी, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस होता है वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अलाउ नहीं करता है, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है वो क्या हमारा, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अचानक से जो वोल्टेज चेंज होता है वो पॉसिबल हमारा कैपेसिटर में नहीं है, ठीक है। ये केवल कभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी अप्लाई
इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ करंट, जब अपन इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ करंट अप्लाई करेंगे तभी क्या है हमारा कैपेसिटेंस में सडन चेंज ऑफ वोल्टेज पॉसिबल है, अदरवाइज कैपेसिटेंस जो होता है इसमें सडन चेंज ऑफ वोल्टेज पॉसिबल हमारा नहीं है, ठीक है। आई इक्वल टू होता है सी डी वी बाई डी टी, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज पॉसिबल नहीं है कैपेसिटेंस में, इसलिए जो वी सी ऑफ जीरो माइनस है और वी सी ऑफ जीरो प्लस है ये क्या होता है दोनों सेम होता है, ठीक है। सडन चेंज ऑफ वोल्टेज कब पॉसिबल है हमारा, जब अपन क्या करेंगे इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ करंट अप्लाई करेंगे तभी हमारा क्या है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज पॉसिबल है, अदरवाइज सडन चेंज ऑफ वोल्टेज पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आई ऑफ जीरो माइनस जीरो है, आई ऑफ जीरो प्लस आई हो सकता है, ठीक है, बट वी सी ऑफ जीरो माइनस जीरो प्लस है। जीरो माइनस ये पॉइंट है मान लीजिए और जस्ट इसके जीरो माइनस ये है, ठीक है, जस्ट इसके बाद जो आया वो जीरो प्लस है, मतलब सडन चेंज, तो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है, जब अपन इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ करंट अप्लाई करेंगे। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, ये हमारा पूछ सकते हैं कहीं भी कि सडन चेंज ऑफ वोल्टेज होता है कैपेसिटेंस में कि नहीं होता है, तो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज नहीं होता है क्योंकि I बराबर सी डी वी बाई डी टी होता है। सडन चेंज ऑफ वोल्टेज केवल कब पॉसिबल है, जब अपन इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ करंट अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि जो कैपेसिटेंस होता है उसमें जो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज है वो कब पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है कि नहीं है या कब पॉसिबल है, तो पहले तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो ऐसा कोई आपको दे दें उसमें ऑप्शंस में कि अगर इनफाइनाइट वोल्टेज लगा देंगे तो क्या पॉसिबल है, सॉरी इनफाइनाइट करंट, हाँ, तो अगर अपन इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ करंट अप्लाई करेंगे तभी हमारा सडन चेंज ऑफ वोल्टेज पॉसिबल है। जैसे अपन ने इंडक्टर में पढ़ा था कि इंडक्टर में सडन चेंज ऑफ करंट पॉसिबल नहीं होता, मतलब जो करंट जीरो माइनस पे है वही करंट जीरो प्लस पे होगा। वोल्टेज हमारा पॉसिबल है कि सडन चेंज ऑफ वोल्टेज हो जाए, लेकिन सडन चेंज ऑफ करंट पॉसिबल नहीं है। सडन चेंज ऑफ करंट कब पॉसिबल होगा, जब इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो सेम एस क्या है हमारा कैपेसिटर में, कैपेसिटर में सडन चेंज ऑफ वोल्टेज पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल होगा जब अपन इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ करंट अप्लाई करेंगे। तो जो वैल्यू वी सी ऑफ जीरो माइनस पे होगी वही जीरो प्लस पे होगी, बट जो करंट है सडन चेंज ऑफ करंट पॉसिबल है, मतलब आई ऑफ जीरो माइनस अगर जीरो है तो आई ऑफ जीरो प्लस क्या है आई हमारा हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा कोई भी सर्किट है, ये हमारा वोल्टेज लगा थी, ये हमारा स्विच है तीन, ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। तो अपन ने माना कि मान लीजिए वी सी ऑफ जीरो माइनस जीरो है, ठीक है, तो हम क्या बोले सडन चेंज ऑफ वोल्टेज पॉसिबल नहीं है, मतलब वी सी ऑफ जीरो प्लस भी क्या होगा जीरो। ये हमारा स्विच है टी, ये टी इक्वल टू जीरो पे अपन क्या करते हैं इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारा स्विच क्लोज हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है वो हमारा कैसा बिहेव करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट होता है इसमें ही वोल्टेज क्या होता है जीरो, तो वी सी ऑफ जीरो माइनस जीरो है तो वी सी ऑफ जीरो प्लस भी जीरो चाहिए, तो एक कब पॉसिबल है जीरो होगा, जब ये कैपेसिटर क्या होगा शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे हमारा कि जो कैपेसिटर है हमारा वो कैसा बिहेव करता है एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है, मतलब एट द टाइम ऑफ स्विचिंग कैपेसिटर एक्सेस ओपन सर्किट, ठीक है, जब अपन स्विचिंग के टाइम पे मतलब जैसे ही स्विच बंद करेंगे तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है एज अ ओपन सर्किट। जब अपन एसी सर्किट पढ़ेंगे उस टाइम पे ये अपन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि अपन स्विच बंद कर रहे हैं तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा ओपन सर्किट की शॉर्ट सर्किट। तो हमने पढ़ा था कि इंडक्टर जो होता है वो एट द टाइम ऑफ स्विचिंग कैसे बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट और सॉरी ओपन सर्किट, और कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ओपन सर्किट, ठीक है।
अगर मान लीजिए अपन डीसी देते हैं किसी कैपेसिटर को, तो वो कैसा ओपन करे, तो वो कैसा एक्ट करेगा, ओपन सर्किट इन स्टेडी स्टेट में। ठीक है, मान लीजिए अपन डीसी देते हैं, मान लीजिए ये हमारा 2 वोल्ट है हमारा, ठीक है, ये अपन ने क्या किया है सर्किट को दिया है, ठीक है, तो हमारा कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, हमने क्या बोला ओपन सर्किट की तरह, ठीक है, क्योंकि I बराबर क्या होता है सी डीवी बाई डीटी, तो सी हो गया डीवी बाई डीटी, डी ये क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है 2, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो करंट क्या हो गया 0, तो ये कैसा बिहेव करना चाहिए हमारा, इसमें करंट क्या है 0, करंट कब 0 होगा, जब ये सर्किट क्या होगा ओपन, तो इसलिए हमने बोला है कि जो कैपेसिटर है वो कैसा बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह, क्योंकि करंट तभी 0 पॉसिबल है ना, सर्किट ओपन होगा, करंट हमेशा क्या होता है क्लोज सर्किट में फ्लो होता है, तो अगर सर्किट ओपन है तो जो करंट है वो क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा हमारा, ठीक है, तो हमारा स्विचिंग के टाइम पे जो कैपेसिटर है वो कैसा बिहेव करता है ओपन सर्किट, अगर अपन डीसी अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर जो है वो हमारा कैसा बिहेव करता है एज अ ओपन सर्किट, ठीक है। अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वी निकाला है, ठीक है, उसका फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा है हमारा, जो अपन ने अभी वी फाइंड किया था कि हमारा वोल्टेज जो होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है वी सी ऑफ टी, वी सी ऑफ टी बराबर क्या है हमारा वी सी ऑफ 0 प्लस 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन 0 से टी आई ऑफ टी डी टी, यही पढ़ा था ना अपन ने कि जो हमारा वोल्टेज होता है हमारा, ठीक है, मेरे यहाँ हिसाब से मैंने जो लास्ट में लिखा है उसमें ये वी सी ऑफ 0 नहीं लिखा है, तो अपन ने क्या लिखा था वी सी ऑफ टी बराबर 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू 0 आई ऑफ टी डी टी प्लस 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन 0 से टी आई ऑफ टी डी टी, ठीक है, तो ये जो है ये वोल्टेज बराबर वोल्टेज प्लस वोल्टेज यही होगा ना ये इक्वेशन, तो जितना वोल्टेज इनपुट में आ रहा है वो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब जो पहले से वोल्टेज था प्लस जो हमारा वोल्टेज आ रहा है, ये हो गया पहले का मतलब पास्ट का वोल्टेज, और ये क्या है प्रेजेंट में कितना वोल्टेज है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0 टाइम तक कितना वोल्टेज है और 0 से टी में हमारा कितना वोल्टेज है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी सी ऑफ 0 और प्लस हो जाएगा 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन 0 से टी आई ऑफ टी डी टी, तो अपन मान के चल रहे थे कि सपोज दैट ये क्या है 0 है, तो वी सी ऑफ टी क्या हो गया था 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन 0 से टी आई ऑफ टी डी टी, ठीक है, तो ये जो वी सी ऑफ 0 है ये क्या है, ठीक है, इनिशियल वोल्टेज हमारा क्या होता है, इसके पहले शायद मलावी जो हमने जस्ट डिस्कस किया है तो ये टर्म मैं लिखना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको फिर से बता दी, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने यहाँ तक लिखा था, फिर हमने बोला था कि करंट 0 मतलब ये चीज 0 होगी, मतलब ये टोटल चीज 0 मतलब वी सी ऑफ 0 0 होगा, वहां पे मैंने करंट बोल दिया था, तो इसको आप प्लीज सही कर लीजिए, ठीक है, तो ये वी सी ऑफ 0 जो है वो क्या है इनिशियल वोल्टेज है, तो अगर इनिशियल वोल्टेज हमारा 0 होगा तो हमारा वी सी ऑफ टी क्या होगा 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन 0 से टी आई ऑफ टी डी टी, तो ये वी सी ऑफ 0 क्या है हमारा, ठीक है, इनिशियल वोल्टेज वी सी ऑफ 0 जो है ये क्या होता है हमारा इनिशियल वोल्टेज, ठीक है, तो ये क्या होता है इनिशियल वोल्टेज हमारा क्या होता है, तो कोई भी कैपेसिटर है, ठीक है, मान लीजिए वो क्या है कहीं पर लगा हुआ है, कोई भी कैपेसिटर किसी सर्किट में अगर हमारा लगा है तो वो क्या कर रहा है हमारा वहां पे क्या करेगा एनर्जी को स्टोर कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद अपन उसको वहां से क्या करेंगे हटा देंगे, तो वो क्या करेगा हमारा वो उसमें वो एनर्जी स्टोर रहेगी, ठीक है, जैसे हमने आपको इंडक्टर का बताया था, ठीक है, जिसने इंडक्टर नहीं समझा वो उस क्लास में, दोनों रिलेटिव है, जैसा इंडक्टर वैसा ही कैपेसिटर, तो इंडक्टर में हमने बोला था कि वो क्या करता है, मान लीजिए कोई भी इंडक्टर है वो किसी सर्किट में लगा हुआ है, तो वहां से उसने क्या किया कुछ हमारा चार्ज को मतलब एनर्जी स्टोर कर ली करंट हमारा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, फिर अपन ने उसको वहां से हटा दिया, अब अपन ने उसको दूसरे सर्किट में लगाया तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है ही, तो वही जो एनर्जी स्टोर्ड है मतलब आई ऑफ 0 है वो क्या है उस वहां से जो एनर्जी स्टोर्ड की है वो हमारा क्या है करंट है, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर क्या है नॉन डिसिपेटिव नेचर का है, तो जैसे ही उसको दूसरा सर्किट मिलेगा वो अपना करंट क्या होगा फ्लो करने लगेगा, तो ऐसे ही हमारा वी सी ऑफ 0 है इनिशियल वोल्टेज, ये क्या है हमारा मान लीजिए कोई भी ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, कोई भी हमारा कैपेसिटर है ये क्या है हमारा पहले से किसी सर्किट में लगा हुआ है, तो पहले से किसी सर्किट में लगा हुआ है तो वहां पे इसने क्या किया
स्टोर की है एनर्जी, तो अब अपन इसको क्या करेंगे उस सर्किट से रिमूव कर देंगे। अपन ने उस सर्किट से क्या कर दिया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो उस सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया तो अब अपन ने क्या किया, दूसरे सर्किट में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट टू अनादर सर्किट, दूसरे सर्किट में अपन ने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसके अंदर क्या है, कुछ चार्ज हमारा स्टोर्ड है, तो वही चार्ज जो है VC of zero, वो क्या होता है, वही चार्ज होता है। मतलब कोई भी कैपेसिटर है वो किसी भी सर्किट में लगा हुआ है, तो वो वहां से कुछ एनर्जी स्टोर्ड कर लेगा, फिर अपन ने उसको दूसरे सर्किट में लगा दिया तो अपन को जो VC of zero मिलता है, अपन बोलते हैं ना पास्ट की वैल्यू, तो वो उसके पास्ट की वैल्यू ही है कि ये हो गया हमारा, कि ये उसके पास्ट की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अपन कोई भी चीज फाइंड करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है, हमने कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइन किया, इसके पहले हम कहीं और पढ़ाते थे, ठीक है, तो जहाँ हम पहले पढ़ाते थे वहाँ से हमने कुछ चीज़ें गेन की ना, कुछ चीज़ें सोची समझी, मतलब कुछ चीज़ें सीखी। अब हम नई जगह आ गए हैं तो हमारे पास जो नॉलेज है, मतलब हमने जो भी सीखा है, ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा पास्ट वैल्यू हो गया। और अब जो जीरो से टी, यहाँ तो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम आए हैं तो ये हमारा इनिशियल टाइम है, तो वो जीरो से टी ये हमारा इनिशियल टाइम है इस कॉलेज में। हम पुराने कॉलेज से, ये जो VC of zero है ये इनिशियल वैल्यू है, मतलब ये पहले से हमारे पास इतनी वैल्यू है चार्ज की, जो हमने दूसरे सर्किट से जब ये सर्किट वहां पर कैपेसिटर वहां लगा था, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो वहां से उसने क्या किया, हमारा स्टोर किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा, अपन ने इनिशियल वैल्यू समझ लिया, कैपेसिटेंस होता क्या है वो समझ लिया, कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर क्या करता है हमारा, जब भी अपन गिवन पोटेंशियल में कितना चार्ज स्टोर हो रहा है वो क्या कहलाएगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर किन किन वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो एप्सिलॉन एवाईडी एरिया पे डिपेंड करता है हमारा, पैरेलल प्लेट के जो डिस्टेंस है उनके बीच की उस पे डिपेंड करता है हमारा, और परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद अपन ने इनिशियल करंट फाइंड किया कैपेसिटेंस का, वोल्टेज फाइंड किया, इनिशियल वैल्यू क्या होती है वो अपन ने निकाला कि इनिशियल वैल्यू क्या होती है हमारी कैपेसिटेंस की। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि पावर, पावर क्या होता है हमारा, V into I, पावर यही होता है ना, पावर क्या होता है, V into I, तो V I क्या होता है, सी डी वी बाय डी टी, तो पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी वी डी वी बाय डी टी, ये क्या हो जाएगा हमारा, पावर हो जाएगा कैपेसिटेंस में। ठीक है, कैपेसिटेंस में पावर क्या हो जाएगा, सी डी वी बाय डी टी। अब अपन बोलेंगे एनर्जी, एनर्जी क्या होती है हमारी, ये हो गया पावर के बारे में, अब एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है हमारी, पी इंटू डी टी। ठीक है, एनर्जी हमने यही बोला था ना कि पावर इंटू टाइम जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी अगर स्टैटिक है कांस्टेंट है तो, बट ये क्या करता है, टाइम के साथ वेरी करता है कैपेसिटेंस, तो एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, पी इंटू डी टी। ठीक है, तो इक्वल टू पी, अपन ने अभी निकाला हमारा क्या था, वी सी वी डी वी वाई डी टी इंटू डी टी हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी वी इंटू डी वी। ठीक है, यूनिट जो है जीरो से वी हो जाएगी, तो सी वी जो है इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो वी स्क्वायर वाई टी लिमिट जीरो से वी, तो ई क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, ये क्या हो गई, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट डिपेंड अपॉन वोल्टेज। एनर्जी जो स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में वो किस पर डिपेंड करती है, वोल्टेज पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था, इसको रब कर रही हूँ, जैसे कि हमने इंडक्टर में पढ़ा था कि जो कैपेसिटी एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, करंट पे। ठीक है, क्योंकि E इक्वल टू है, कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, एनर्जी जो कैपेसिटेंस में स्टोर्ड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे। सी तो कांस्टेंट है, वी जैसे वैरी करेगा वैसे ई भी वैरी करेगा। ठीक है, किसके फॉर्म में होती है, इट स्टोर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया आंसर। वही अपन ने पढ़ा था एनर्जी इंडक्टर में, ठीक है। तो हाफ एल आई स्क्वायर, मतलब इंडक्टर में जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? करंट पे। किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा था वहां पे? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट। तो जो आपने शॉर्ट नोट की कॉपी बनाई है उसमें आप ये लिख लीजिए, ठीक है। क्या क्या लिखना है अपन को? सबसे पहला कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है? जो शॉर्ट नोट की कॉपी है उसमें आप ये सारे टर्म लिख लीजिए। सबसे पहले C बराबर क्यू बाय बी, ठीक है। C इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी। आई ऑफ टी इक्वल टू सी डी वी बाय डी टी। वी सी ऑफ टी बराबर वन अपॉन सी इंटीग्रेशन जीरो से टी आई ऑफ टी डी टी, ठीक है। पावर जो है वो क्या होता है? वी इंटू आई, ठीक है। आई क्या होगा? टी डी वी बाय डी टी। एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर। तो इस चैप्टर से आपके इतने फॉर्मूले निकल गए। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये सारे फॉर्मूले आप क्या करिए, उस कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और दूसरा, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी? फैराड या फिर कूलम पर वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्कशन अबाउट कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर, कि जो कैपेसिटर्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसा है, सीरीज अरेंजमेंट कैसा होगा। दो कैपेसिटर सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा? पहला अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर क्या होगा। थैंक यू।